बेतरतीब तरीके से बढ़ता और घटता तापमान हर आम नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और है भी, लेकिन देश के अधिकतर हिस्सों में बढ़ रहा तापमान देश की सियासत की गर्मी बढ़ा पाए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में गर्मी और लू से जो मरने वाले लोग हैं उसमें हर पांचवा नागरिक हिंदुस्तान का है। भारत में लू से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है, तो दुनिया में लू से होने वाली मौत का 20% है। आंकड़ों से पिक्चर साफ होती है, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक सदी के अंत तक भारत में लू का खतरा 10 गुना तक बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं इसका सबसे अधिक असर किस वर्ग पर पड़ता है? देश की तरक्की में ईंट ढोने वाले मजदूर जो वोट देते हैं, जिनसे वोट की उम्मीद सबसे ज्यादा की जाती है। और किस पर असर पड़ेगा? खेतों में अनाज उगाने वाले किसान, वो किसान जिसके इर्द गिर्द राजनीति रहती है, उनकी आय को दुगनी करने से लेकर तमाम बातें, लेकिन वो लू का असर उन पर पड़ेगा उसकी चर्चा नहीं है। सेना पर, रेगिस्तान में ड्यूटी करते हमारे जवानों पर लू का असर पड़ेगा, लेकिन सियासत का यहां भी केवल वोट बैंक में ही ज्यादा इंटरेस्ट नजर आता है। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि केंद्र ने, मोदी सरकार ने, इस बात का जिक्र मैं जरूर करूंगी, पिछले 10 सालों में सौर ऊर्जा में क्षेत्र में कई काम किए हैं। सोलर पैनल्स की बात कर लें या अलग अलग तरीके से, लेकिन क्या उस तरीके से हमारे पॉलिटिकल लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इम्पैक्ट रखते हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं? अच्छा, जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। G20 के कार्यक्रम के लिए दुनिया भर से आए डेलीगेट्स गंगा आरती में शामिल हुए। पीएम मोदी ने हाल ही में बताया कि उनका उद्देश्य ऐसा करके दुनिया को प्रकृति के प्रति संदेश देने का था, और संदेश गया भी है, ताकि पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन के लिए एक मंच पर लाया जा सके। G20 की जितनी भी पहले बैठकें हुई जिसमें प्रधानमंत्री गए, वहां पर भी क्लाइमेट चेंज को लेकर एक मुद्दा हमेशा रहा, उठाया भी गया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर कई वादे किए हैं, जैसे 2047 तक देश में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन, जिससे बहुत हद तक सफलता हासिल भी हो गई है।